ले 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 ले। अरे तुर गई तो गाइज हम नहा चुके हैं और कुछ लोग हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं इटावा से, तो चलिए मिलवाते हैं उन लोगों से। मैं बहुत अच्छा लगा, अभी देखिए चलते हैं बाहर। कैमरा मैन आ जाओ आ जाओ। सो फ्रेंड ये भैया लोग आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए इटावा से, बहुत अच्छा लगा हमें। तो स्टार्ट करें फिर जी। चलिए जब मैं बताऊँ तो मैं आज इनसे मिलने आया था इनके गाँव में, अभी सामने से ही आपको मिलवाते हैं, तो बताइए आप। नमस्ते दोस्तों, राम राम, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और हम आपकी मोहिनी राठौर मैनपुरी से। तो ये भैया हमसे मिलने के लिए हमारे गांव में आए हुए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए इटावा से, हमें बहुत अच्छा लगा। और तो कंटिन्यू करते हैं इंटरव्यू में, देखिए जानते हैं हमारे बारे में, भैया हमसे बहुत कुछ पूछेंगे अभी। तो शुरुआती आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? हमारी जर्नी मौज मौज ऐप जानते हैं, मतलब कि सभी लोग यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं अभी शायद, तो वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मुझे उस पर कुछ रिस्पॉन्स या कुछ रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि आप यूट्यूब पे करो, तो इससे मुझे बहुत कुछ रिस्पॉन्स। उसके बाद में आपने यूट्यूब पे स्टार्ट किया आपने, तो यूट्यूब पे आपने कितने दिन तक वीडियो बनाई थी? यूट्यूब पे करीबन मैंने पहले तो एक महीने तक बहुत मेहनत की, कुछ रिस्पांस नहीं मिला मुझे, मतलब कि एक दो तीन ऐसी लाइकें आती, दिमाग ख़राब होता था देख देख के। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे एक वीडियो एकदम से मतलब कि 20,000 चली गई, तो उससे मतलब बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर आए, तो मुझे हौसला मिला कि शायद ऐसा हो सकता है कि और वीडियो में अगर डालती हूँ तो जा सकते हैं वो भी। तो 10 दिनों के अंदर मैंने एक वीडियो शूट की भी, मतलब कि कहते हैं ना कि जो सन सबर की वीडियो बनाओ वो वायरल नहीं होती है, अचानक से बनाओ तो वो वायरल हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही बना के ड्राफ्ट में कर दी और सुबह अपलोड कर दी मॉर्निंग टाइम झोपड़ी के सामने वाली वीडियो, और वो वीडियो मेरी 23-24 मिलियन चल गई है। मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ कि हाँ इतनी मेरी वीडियो चल गई है भाई, वायरल होगी और सभी से लोग मेरे घर पर आना स्टार्ट हो गए। आपकी पहली वीडियो वायरल हुई तो आपको कितना कितनी खुशी मिली? बहुत ज़्यादा खुशी मिली, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी वीडियो वायरल हुई, क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि लोग आने स्टार्ट हो गए तो समझ में आया कि शायद हाँ जान गई आपकी वीडियो वायरल हुई, तब मुझे पता चला। तो जब वीडियो वायरल हो गई, तो जब लोग आना शुरू हुआ, तब आपने जानकारी हो पाई कि हमारी वीडियो वायरल हो गई है। तो आप क्या कर रहे हो इसके पहले आपकी वीडियो वायरल हो गई, इसके बाद में आपने कौन कौन सी अपने अपना वीडियो डाला है? उसके बाद पहले तो यूट्यूब पे ही चलते रहे हम, उसके बाद लोगों ने सजेशन दिया आए जो हमसे मिलने के लिए, आप इंस्टाग्राम पे भी बनाइए अकाउंट अपना, फेसबुक पर भी बनाइए। तो मैंने मतलब कि अभी इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब तीनों पर हूँ, और मेरे अकाउंट भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं। और इंस्टा पे कितने हैं आपके? इंस्टा पे मेरे करीब 3 लाख हुए हैं और आज 3,05,000 हो गए हैं। यूट्यूब पे इस समय सब्सक्राइबर कितने चल रहे हैं आपके? मेरे 6-7 लाख होने वाले हैं। 7 लाख। जब आपका पहली वीडियो वायरल हुई थी तो उसमें आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका था? चैनल पहले मोनेटाइज नहीं हुआ था, वीडियो वायरल होने के बाद मोनेटाइज, जानकारी नहीं थी कि क्या कैसे होता है, बस वीडियो बनाए जा रहे थे डालते जा रहे थे, वो शौक था और एक मतलब उम्मीद भी थी कि शायद ऐसा हो सकता है, हो गया। तो एक छोटे से गाँव में इतनी मेहनत करने के बाद में देखो दीदी सामने बैठी हुई हैं, छोटे से गांव में मेहनत की, मेहनत का रंग भी लाया और सामने से बैठी आपसे मुलाकात कराते हैं, उसके बाद में आपने क्या सोचा था आगे चलने के बाद जब मोनेटाइज हो गया चैनल, आपकी फर्स्ट इनकम आई थी, तब तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखती रहती थी कि हमारी फर्स्ट इनकम आ गई है, तो मैंने भी पहले सपना देखा था कि मैं भी शायद यूट्यूब से मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में, लोग डाटा गवाते ही है, मैंने तो सोचा था मैं इससे कमाऊंगी, लेकिन हाँ ये सपना मेरा पूरा हुआ और मैं आज अच्छा खासा कमा रही हूँ यूट्यूब से। अजी आप जो वीडियो बनाती हो अब कैसा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है और सोचती हूँ कि कुछ नया नया बनाऊँ, और सोचती रहती हूँ क्या क्या बनाऊँ आप लोगों को पसंद आए वीडियोज में। तो गाइस यही आप लोगों से कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इंस्टाग्राम की कमाई अलग से आ रही होगी, फेसबुक की अलग से आ रही होगी, यूट्यूब की अलग आ रही है, लमसम कितना आ जाता है अब समथिंग? समथिंग के तो एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं वो बताने के लिए मोटा मोटा कैलकुलेट देता है। हाँ मोटा मोटा बता देती हूँ कि ऐसा कमा लेती हूँ कि मैं अपने घर का खर्चा खुद उठा सकती हूँ, ये
ये तो और अच्छी बात है कि किसी का भरोसा नहीं करना, अपने आप में अपने पैरों से खड़े हैं, खुद अपने पैरों पे। अब किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ते मुझे, मतलब कि वैसे लगता था कि क्या कुछ खरीदने का मन हुआ कैसे खरीदे, बस रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, मैं खुद खरीद सकती हूँ। अब जो लोग इंटरव्यू देने आते तब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और सभी का सम्मान भी करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, आगे ही सोचा है वीडियोस बनाएंगे, शायद भगवान ने किस्मत सुन ली तो और आगे मतलब कि बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं सुनेगी, जब इतनी मेहनत में आपने कम मेहनत में यहाँ तक आ गए तो आगे जब आप अच्छी खासी मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आगे बढ़ोगे? अभी जब आप सोच रहे थे, अभी मेरे आने से पहले आप कह रहे थे मुझे बुलाया है लोगों ने, कितनी खुशी की बात है, कुछ लोग बुलाते हैं जी, आज बुलाया गया है, आज किसी के आप मोहताज नहीं है, आपको पूरा देख रहा है लोग बैठे बैठे अपने घर पे यूट्यूब पे देख रहे हैं बैठे कि हाँ आज मौनी राठौर हैं, देखो ये किसी का परिचय देना नहीं है, किसी को कुछ नहीं, सब कुछ देख रहे हैं सब लोग। अब आगे क्या करना है? मुझे एक वीडियो क्रिएटर बनना है और मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, यही सपना था मेरा कि मैं एक अच्छी डांसर बनूंगी। तो ये मोहिनी राठौर जी के शब्द हैं, ये कुछ अच्छा कुछ नया करना चाह रही हैं और आप लोगों को नया दिखाने का प्रयास करना चाह रही हैं। एक डांसर, अभी इन्होंने कहा डांसर बनना चाह रहे हैं, डांसर के लिए भी बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये अपना पूरा वर्चस्व डांस के ऊपर दिखाना चाह रही हैं। और अभी जब कोई मिलने आता आपको है और आपको कहता है कि यूट्यूब पे आपकी इतने, तब कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी होती है, जाहिर सी बात है, जब कोई आपके पास आपकी मतलब कि इमेज की वजह से आपसे मिलने के लिए आएगा कि आपकी कितनी इमेज बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी जो हम पूछने जा रहे हैं, जैसे मान लिया अभी हमने आपसे संपर्क किया, फोन तो किया नहीं मैंने, डायरेक्ट ही पूछते पूछते आपके पास पहुँचे, तो जब आए हैं हमने पूछा है, तब आपको कैसा महसूस हुआ, क्या पूछेंगे, क्या आपसे मेरे बारे में जानेंगे? हाँ, बहुत सारे मतलब कि भाई भैया लोग आ चुके हैं, पहले भी इंटरव्यू हो चुका है हमारा, तो पहले डर लगता था लेकिन अब झिझक खुल गई, आराम से बता देते हैं सब कुछ। ये है मोहिनी राठौर जी और ये अभी आपके सामने पूरा इन्होंने बताया अपना है, हम छोटा ही इंटरव्यू करेंगे क्योंकि इनके पास भी टाइम थोड़ा सा कम है। तो ये मोहिनी राठौर जी का इंटरव्यू छोटा सा मैंने किया, कुछ ज्यादा टाइम इनका नहीं वेस्ट करना चाह रहे हम। तो गाइस, लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के प्यार सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ हर रोज, यही उम्मीद लेके जागती हूँ कि आज क्या करना है और लोगों को क्या दिखाना है न्यू। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें और ये मोहिनी राठौर को हम नीचे कमेंट में उसमें डाल देंगे, जो आपको देखने जल्दी ही मिलेगी आपको। अब हम लोग आज कॉमेडी शूट करने के लिए जा रहे हैं, सब लोग चले गए जो जो मिलन के लिए आए थे, और जे देखो जोराम का लगी आ रही है और वे बॉडी गार्ड हमारे आ रहे हैं, तो अब निकल रहे हैं पूरे दिन, यो धूप की वजह से जा ना पाएंगे, अब थोड़ी धूप मर रही है मतलब की थोड़ी गिर रही है, दिन ढल रहे हुआ तब जा रहे हैं हम लोग। ओ भैया रोक ले, ओ भैया रोक लिया ना, एक देख देख बर्फ दिया बर्फ, चलो चलेंगे, कैसा खट्टा मीठा गोला बेचा था, मीठा मीठा बेचा था, होगी टाइम ना है, हम जा रहे शूट करन वीडियो बना, आ जाओ कैमरा मैन, बैठो जल्दी बढ़ाएंगे टीवी से। फ्रेंड, हम लोग बैठ चुके हैं बाइक पे, अब जा रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल। आज कॉमेडी शूट हो रही है चुनाव के ऊपर, चुनाव आ गए हैं और वोट डालो, मतदान सभी का अधिकार है, इसी के ऊपर गांव से रिलेटेड कॉमेडी शूट हो रही है, अभी दिखाएंगे। ओके गाइस, ये बैठे हैं वो क्या है गाइस, देखो अब शूट जा रहा है, वो अब ये अपन शूट है, आप देखो वोट मांगने आ रहे भाई, चुनाव पे खड़े हुए हमारा चुनाव चिन्ह है, साड़ी समझना, वोट दियो, वोट दियो भैया, ठीक है, राम नगर चालू होन जा रहो, सही बोलो, सही भैया, तो ध्यान रखियो साड़ी कपड़ा को, वोट दियो, अरे तुम जा कह दियो, तुमको अभी करवा ली है, एक एक वोट दे दियो, तो भैया राम राम, हेलो हां बताओ श्री राम राम भैया, तो फिर साड़ी को ध्यान, साड़ी में
मैं कहाँ है कहाँ पहले जाता हूँ ये मुझे भूलिए गाइस हम फॉलो कर ले रमन कैसे पार्टी है मेरी फॉलो कर ले झाड़ू दे चालू करो चालू एक्शन राम राम भैया राम राम भैया ने साड़ी ध्यान रखियो वोटर दियो जे तैयो ठीक है तुम्हारी वोट दिए लेकिन तुम्हारे सपोर्टर तो कम ही दिखाई पड़ रहे सपोर्टर बोलो 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 जा गाड़ी तुम टेंशन ना लो बोलो मैं 20,000 रुपया दे दिए वोट हमें दियो लेटरिंग लगाई हां जा गाड़ी काम जवाई हां हां बोलो रुकना रुकना देख अरे कमल ने तो बोले बोलिए जे अरे तुम टेंशन का ले रहे हमारे पीछे ने भी भीड़ ये ठक्की लेकिन तुम्हें हमारी मांगे पूरी करने पड़े फिर का मांग है बताओ कितना चाहिए देखो देखो कितनी तेज नचे रहो देखो अरे भाई बाद हम कह रहे बाद में चलो क्या बोले लड़वन की मजबूरी कह रहे 60 साल कह रहे लड़वन की 60 साल भाई करवा लड़वन की मजबूरी है पेंशन अगर पेंशन बंदी तो तुम मुझे समझो तुम जीते ही देखो विधायक जगह सानी लगा रही थी वैसी है देखो ऐसे मोती की जीत होगी देखो ऐसे आज जगह मोती की जीत होगी बटन में हम खड़े भैया कॉमेडी में और साड़ी तो फ्रेंड कॉमेडी सूट हो चुकी है अब जा रही मार्केट करें सब्जी वगैरह खरीदे आज साली शर्मा रही है शायद पीछे वाली चलो बाजार करें आए मार्केट करने के बाद उधर से निकल गए हम घर पे कई सब्जी खरीद रहे हैं तुरैया खरीद रहे हैं एक किलो हरी हरी एकदम ताजी ताजी हम लोग आ चुके हैंगे निकले तो दिखाना आपको मार्केट करने के बाद सब्जी भी खरीदने के बाद सीधे घर पे आई है और हमें छोड़ने के लाए थे भैया सत्यम भैया और देखोगे गंगा भैया बाग से गए हैं हमने बाग से मुझे कह रहे बाग घुमा दे हमें हम नहीं चलो बाग से हम लोग यहाँ मैं पहुँचा गए बैठिए बाग हम जाकर बैठ लगाए जाए हम जा रहे पीछे से बताती रात हम घूमन के ला जा रहे रात हमका समझ ही है देख बगिया रख रही रात हम कैसे रख कैसे रखो कत होड़ा गुत ब्यारत ना लगी ये कर रहे देख अभी मत काटो मेरी बगिया कैसी लगी बहुत अच्छी ओ थैंक यू मना यहीं पे दुकान भैयो जी जन का घुसियो हम जमने में घुसियो कछु निकालिए सामान भैया मां कांटे घुसिए सो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और हम अपने मुंह में डाल ले तेल और कल कुछ स्पेशल डे है और कुछ स्पेशल मोमेंट भी और कुछ स्पेशल लोग भी आ रहे हैं तो कल का वेट कीजिए और कल का ब्लॉग कतई मिस मत करियो जरूर देखियो तो फिलहाल मैं हम अपने सर में डलवा रहे हैं तेल तो बाल थोड़ी मजबूती है बालन में और ब्लॉग को एंड कर रहे हैं कैमरा मैन देती हैं जो देखो मम्मी और हम पापा गए हैं गाँव में बह रहे हैं ठीक है तो ब्लॉग को एंड करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस सपोर्ट कीजिए बहुत मेहनत करते हैं ओके बाय टेक